नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 17 जुलाई 2022 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन आपको संतुलित होकर चलने की ज़रूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखिए, साथ ही साथ कोई नया प्रोजेक्ट, नई सिचुएशन, नई अवस्था, नई सूचना या नई विचारधारा आज के दिन पनप सकती है, उसको आगे लेके चलना है। पॉजिटिविटी कार्यक्षेत्र में बनी रहे इसलिए आपको एक्सप्लोर करते रहना है नए अवसर को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को। नौकरी चेंज करने के जो लोग इच्छुक थे वहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए काबू में आनी शुरू हो गई हैं। कोई शुभ संकेत या शुभ समाचार आज का दिन आपका बना सकता है, खासतौर पर आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में। लंबे समय से अगर कोई पारिवारिक तनाव चल रहा था तो उसमें आज के दिन आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है, तो मन को शांत रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में अपने आप को स्ट्रेसफुल सिनेरियो में डालने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियों को काबू में लाने के लिए पूरी तरह से आज के दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए। साथ ही साथ आज के दिन कुछ नई विचारधारा जो आपकी डेवलप हो रही है, खासतौर पर मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कुछ नया काम साझेदारी में करना या परिवार के किसी सदस्य का साथ देना या उनके लिए कुछ ना कुछ एक काम बैकबोन क्रिएट करना, इस पर आज के दिन काम किया जाए तो आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन ये कंप्लीटनेस पूरी परिवार के लिए आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। अगर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में बात करूं तो उसमें भी आज के दिन सेकेंड हाफ के बाद आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, कामकाज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन रहा है, सिनेरियोज आपके लिए पॉजिटिव भी हो गए हैं, लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं। लंबे समय से अगर आप किसी ऋण की पूर्ति करने के सोच रहे थे और रीपेमेंट के आपको सिचुएशंस नहीं क्लियर हो पा रही थी, तो अब वो परिस्थिति आपके लिए क्लियर आउट होनी शुरू हो गई है। रीपेमेंट की परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है, यानी कि अगर आपका कोई ऋण चल रहा है, लोन्स चल रहे हैं, तो उसमें अगर आपको रीपेमेंट करना है तो वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। इसका एक निष्कर्ष ये भी निकाला जा सकता है कि आपकी इनकम में इजाफा होने वाला है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे जो आपको और पॉजिटिव करके जा सकते हैं। मनोबल में भी आज के दिन वृद्धि होते हुए आप देखेंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। मन को आपको काबू में रखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा एंग्रोस्ड और बिजी रखना पड़ेगा। नकारात्मकता या नकारात्मक सोच से अपने आप को आपको दूर रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन लोगों को आप डिटैच कर सकते हैं अपने जीवन से जो आपके मनोबल को नीचे लेकर आते हैं। सामाजिक साख और प्रतिष्ठा बनी रहे इसलिए आज के दिन कार्यक्षेत्र में आपको स्थिरता बनाने के लिए अपने आप को बैलेंस्ड जोन में लाने की सख्त ज़रूरत है। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको कार्यक्षेत्र के में होने के दौरान भी देखने को मिल सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए टायरिंग और टैक्सिंग भी हो सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। कार्यक्षेत्र में सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए इजाफे का हो सकता है। रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कहीं निवेश किया था और आप उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो पॉजिटिविटी आप अपनी चीज़ों में देख सकते हैं। मन आपका शांत रहेगा, परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, कुछ नया कर पाएंगे, कुछ नई परिस्थितियों को अपने लिए आप क्रिएट कर पाएंगे। बिजनेस एक्यूमन आपका डेवलप्ड रहेगा, साथ ही साथ परिवार के साथ बिताया गया समय आपको आगे आने वाले समय के लिए रेजुविनेट करके जाएगा। थोड़ा सा आपको अपने लिए ब्रेक की भी ज़रूरत थी और अगर आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने लिए टाइम निकाल लिया है तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ों को प्लानिंग करने का साबित हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यता चलेगा, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। पर इतना समझ के रखिए कि आपकी परिस्थिति, आपकी विचारधारा या आपकी मेहनत या आपका दृढ़ निश्चय, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, वह अब आपके लिए शुभ संकेत, शुभता या कंडीशंस आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगी। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव अब आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो रहा था और अगर डिटैच स्टेट मेंटेन हुई थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अब वो परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज का दिन फर्स्ट हाफ के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल सकता है, खासतौर पे वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा सचेत रहने की आज के दिन आपको ज़रूरत है। चिंता का विषय आपके लिए बन सकता है अगर आप समय समय पर डॉक्टरी सलाह या परामर्श लेने में बिलीव नहीं करते हैं तो, इसलिए हल्की सी भी अगर आपको लगता है गुंजाइश है जहां पर छोटी सी बीमारी बड़ा रूप ले सकती है, तो किसी वृद्धतम सदस्य के लिए जो आपके परिवार का हो, आपको डॉक्टर की सलाह के अनुरूप ही कार्य करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन खान पान पर स्वतः भी नियंत्रण रखिए। कार्यक्षेत्र में आपके लिए डिसिप्लिन अप्रोच बनी हुई है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है कार्यक्षेत्र की स्थिरता के संदर्भ में।
बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों कुछ नया कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में इजाफा होना, प्रमोशन होना, प्रोफाइल अपलिफ्टमेंट होना, निजी विस्तार या बिजनेस है तो उसमें बिजनेस में इजाफा होना, कुछ नया प्रोडक्ट लाइन ऐड होना, नए लोगों से बातचीत होना, नेटवर्किंग में इजाफा होना, ये सारी पॉजिटिविटी आपके लिए आज के दिन इंडिकेटेड है। ये समय, ये परिस्थिति आज से स्टार्ट हो सकती है, तो कुल मिलाकर अपने आप को और ज़्यादा आपको सबल और सक्षम बनाते हुए चीज़ों को एड्रेस करते हुए आगे चलना है। साथ ही साथ आज के दिन उन सभी चीज़ों को आप अपने फेवर में ला सकते हैं जो छोटी मोटी चीज़ आपको पहले टेंशन देती थी, लेकिन अब पारिवारिक तौर पर अगर आप उसको कलेक्टिवली उस इशू को एड्रेस करेंगे तो आज के दिन वो हो सकता है समाधान की तरफ ये पूरा जो मुद्दा है ये मुड़ जाए। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। काफ़ी टायरिंग हो सकता है फर्स्ट हाफ आपके लिए धनु राशि वालों, लेकिन इस बात को मान के चलिए स्थिरता बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा लोनली भी आज के दिन, या अगर मैं कहूँ कॉन्फिडेंस लेवल में नीचे थोड़ा हो सकता है, मनोबल आपका नीचे जा सकता है, थोड़ा सा लोनली भी फील कर सकते हैं, डिटैच्ड हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, एंग्जाइटी या स्ट्रेस वाली फीलिंग आपको हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोच बैठें कि ये परमानेंट प्रॉब्लम है, एक दो दिन के अंदर ये सिचुएशन भी बैलेंस आउट हो जाएगी। लेकिन ये आपके लिए एक से दो दिन के अंदर फिनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छी परिस्थिति बन सकती है, मन आपका शांत रहेगा, परिवार में जो आपके रुके हुए कार्य थे वो भी अब चलने शुरू होंगे, पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, अनुकूलता बनी रहेगी परिवार में। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। थोड़ा चिंतित हो सकते हैं मकर राशि वालों, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना है, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है तो अपने आप को सतर्कता और सावधानी के साथ आपको ड्राइव करने की ज़रूरत है। खासतौर पर अगर आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आपको सोच के समझ के ड्राइव करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग सता सकता है, डाइजेशन संबंधित दिक्कत हो सकती है। डाइजेस्टिव अगर मैं देखूँ सिस्टम को, आज के दिन आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, खान पान पर नियंत्रण रखिए। साथ ही साथ परिवार के किसी वृद्धतम सदस्य के द्वारा दी गई कोई बहुमूल्य राय आज के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। आपको किसी जीवन में ऑनगोइंग कोई स्ट्रेस है तो उससे इमिडिएटली रिलीफ आज के दिन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। ट्रैवलिंग आपके लिए इंडिकेटेड है कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा टायरिंग टैक्सिंग आज का दिन हो सकता है, लेकिन अगले दो से तीन दिन आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कोई अच्छी परिस्थिति आपके लिए बना सकता है, विचारधाराएं आपकी स्ट्रांग रहेंगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, नज़र भी आ सकते हैं, आप अपने बॉसेस की निगाहों में कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी इमेज बनती हुई नज़र आएगी। ब्रांडिंग अगर मैं कहूँ तो कार्य क्षेत्र में आपकी प्रभावशाली तरीके से बनेगी। अगर आपका निजी व्यवसाय है तो उसमें भी पॉजिटिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के इनिशियली जो दिन की शुरुआत होगी थोड़ा सा आपको टेंशन में या असमंजस में डाल सकती है, लेकिन दो से तीन दिन के दौरान काफ़ी पॉजिटिविटी आपको कार्य क्षेत्र के संदर्भ में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मीन राशि वालों, अगर आप करने की सोच रहे थे और बहुत समय से सोच रहे थे जिसमें चलते चलते नेगेटिविटी या बाधा आ रही थी, तो अब वो परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल होती हुई नज़र आएगी। लंबे समय से अगर किसी प्रोजेक्ट को करने की कोशिश कर रहे थे, कोई रुका हुआ कामकाज था जो काफ़ी सालों से आप करने की सोच रहे थे, खास तौर पे इनकम के इजाफे के स्वरूप में, तो अब वो परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल होती हुई नज़र आएगी। लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। आज के दिन आप मेडिटेटिव स्टेट में भी रह सकते हैं, अपने ऊपर काम भी कर सकते हैं, ध्यान भी दे सकते हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे भी आज के दिन काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कलेक्टिवली ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। मन को शांत रखिए, पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करिए, जिससे कि आपके लिए सारी गुंजाइशें, सारे ऑप्शंस ओपन हो सकें। कुछ नया इंपॉर्टेंट फिनेंशियल अपलिफ्टमेंट से संबंधित आज के दिन आपको समाचार या सूचना, शुभ संकेत मिल सकता है। इसके साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।